नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पिगनोस मसाज। और इस वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पास, तो आज मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर पिगनोस मसाज कर दिखाने वाली हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पर लूंगी ऑयल। आप इसके लिए कोई भी चाहे ऑयल ले सकते हो, बादाम का तेल हो या फिर जैतून का तेल या फिर कोकोनट ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। एक से दो ड्रॉप ले लीजिए, उससे आपको मसाज करने में ईजी रहेगा और काफी अच्छी लगेगी उससे आपको मसाज, और रिलैक्स भी आपको काफी फील होगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, सिर्फ एक से दो ड्रॉप ले रही हूँ। दो तीन ड्रॉप ले लीजिए, काफी होगी। और इस तरीके से मसाज करनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको कर दिखा रही हूँ। और जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जितना भी प्रेशर डालना आपको अच्छा लगता है, जितना बर्दाश्त कर पाए उतना ही प्रेशर आपने अपनी नोज पर डालना है। बहुत ज्यादा मत डालिएगा। और जिस तरीके से भी आपको मसाज आती है उस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको ईजी लगता है यहाँ पर। तो इस तरीके से मसाज करने से कुछ ही दिनों में आपकी जो नोज है वो शार्प हो जाएगी और अच्छी लगेगी। और इस पर जो आपने प्रेशर डालना होता है गाइस, जिस तरीके से मसाज करनी होती है, तो वो ऐसा कुछ अलग मेथड नहीं है। बस आपने नोज की जो शेप होती है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि काफी लोगों की जो नोज होती है ब्रॉड होती है, थिन होती है और लार्ज भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मसाज कीजिएगा। वैसे कोई बहुत ज्यादा अलग स्टेप्स नहीं है मसाज के, सेम स्टेप्स ही होंगे। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया, इस तरीके से भी आप मसाज कर सकते हैं। और इस तरीके से मसाज करने से कुछ ही दिनों में आपकी नोज जो है वो शार्प हो जाएगी। एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर, कि इस तरीके की जैसे नोज होती है काफी लोगों की, तो उन्हें जिस तरीके से मसाज कर रही है वो एक मैं छोटा सा स्टेप आपको बता देती हूँ इस तरीके से। और आप चाहें तो दोस्तों कि आप इस मसाज को करते समय आप किसी स्क्रब की भी हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी मसाज भी हो जाएगी, और आपकी नोज के एरिया के आसपास जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। और काफी बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लोगों की जो स्किन होती है वो डार्क हो जाती है, ब्लैकनेस आ जाती है, तो वो भी स्क्रब से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से मसाज करने पर आपको दोनों ही चीजें हो जाएंगी, आपकी मसाज भी हो जाएगी नोज की और आपके जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मसाज बहुत ज्यादा करने पर आपकी जो नोज है वो थोड़ी सी आपको पेन हो रही है वहां पर, या फिर रेड हो गई है, तो आप ऐसे में एक आइस क्यूब ले लीजिए और उसे अपनी नोज के आसपास लगा लीजिए, नोज पर लगा लीजिए, उससे आपकी रेडनेस भी दूर हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, और दूसरे ख्याल से भी बहुत रिलैक्स मिलता है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये पिगनोस मसाज बहुत ही ईजी है, हर कोई इसे ईजिली कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का मेरा ये टॉपिक कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
वो लोग इस तरीके से भी मसाज कर सकते हैं। और वैसे तो ये जो स्टेप है वो सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, बस यहाँ पर मैंने इस तरह की नोज के लिए आपको एक छोटा सा स्टेप बताया है।